हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड नीता और आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं एक बहुत ही बेहतरीन वेलनेस रेसिपी जिसका नाम है वेलनेस न्यूट्री चिया पुडिंग। इससे पहले कि मैं रेसिपी शेयर करूं, मैं कुछ बातें करना चाहती हूं इसके बारे में जो हमारा न्यूट्रीशेक है। वैसे तो मैंने न्यूट्रीशेक के बारे में पूरी डिटेलिंग बना रखी है वीडियो, मैं इसमें आप लिंक डाल दूंगी और शेयर कर दूंगी आपके साथ, जिसके साथ ही आपको सारी डिटेल्स में नॉलेज मिल जाएगी अगर आप नॉलेज लेना चाहते हैं। लेकिन थोड़ा सा मैं अपने ये इस शेक के बारे में बताऊंगी, चॉकलेट न्यूट्री शेक। चॉकलेट फ्लेवर आप में से किस किस को पसंद है मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे बेटे को भी पसंद है। इसके साथ ही मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोगों का ये फेवरेट बन चुका है चॉकलेट न्यूट्री शेक जब से आया है। और इसी के साथ मैं पुडिंग बनाना बताऊंगी। अब मैं न्यूट्रिशन के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहती हूँ आपको, क्योंकि अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो कुछ छोटी सी नॉलेज मैं देना चाहूँगी। तो हमारा न्यूट्रिशेक ये प्रोटीन पाउडर है। मार्केट में तो बहुत सारे प्रोटीन पाउडर हैं, लेकिन हमारा यूनिक क्यों है इसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊँगी आपको। तो हमारे यूनिक इसलिए है कि हमारे न्यूट्रिशेक में प्रोटीन के तीन सोर्सेज डले हुए हैं, नेचुरल सोर्सेज से लिया गया है। तीन सोर्सेज से प्रोटीन लिया गया है और नेचुरल तीन सोर्सेज से फाइबर भी लिया गया है। जी हाँ, फाइबर भी है इसमें इंक्लूड। मार्केट में जितने भी न्यूट्री शेक है ना, प्रोटीन शेक है, उसमें आपको प्रोटीन तो मिलेंगे वो भी एक या दो सोर्सेज से, और इसके साथ ही आपको उसमें फाइबर नहीं मिलेगा, फाइबर आपको अलग से लेना पड़ता है। लेकिन हमारे न्यूट्री शेक में, ओरिफ्लेम के न्यूट्री शेक में फाइबर इंक्लूड है, तो आप इसको बेझिझक लें, इसमें अलग से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ मैं इसके बारे में कुछ बताना चाहूँगी कि प्रोटीन पाउडर लेना या न्यूट्री शेक लेना क्यों जरूरी है हमारे लाइफ में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी बना है बहुत सारे सेल्स से। जैसे हमारे घर एक एक ईंट को जोड़ के बनता है मकान, वैसे हमारा बॉडी भी एक एक सेल्स को उसी ईंट की तरह जोड़ जोड़ के बना है। तो वो सेल्स कैसे बनते हैं? वो सेल्स प्रोटीन से बनते हैं, और हमारे बॉडी को डेली प्रोटीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपका जितना वेट है उतना ग्राम प्रोटीन डेली आपको लेना चाहिए। अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं, आपके टिश्यूज सही से काम करें, आपकी बॉडी ठीक से काम करें, आप हमेशा ही एक्टिव रहें, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि हमारे बॉडी में टिश्यूज हमेशा ही टूटते रहते हैं, डैमेज होते रहते हैं, तो हमेशा रिपेयर का काम चलता रहता है, हमेशा ही ये बनता रहता है हमारे बॉडी में। तो उसको बनाने के लिए हेल्प करता है प्रोटीन, उसका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है, तो डेफिनेटली लेना चाहिए। अब यहाँ बात आती है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि प्रोटीन अलग से क्यों लेना, हमें डाइट से तो मिल ही जाता है। बिल्कुल भी नहीं फ्रेंड्स, जब आप डाइट से प्रोटीन वो लेते हैं तो आपको क्या लगता है कि जो कुछ भी आप लेते हैं आपको पूरा का पूरा न्यूट्रिएंट्स उससे मिल जाता है? नहीं मिलता। आपके बॉडी में कहीं ना कहीं न्यूट्रिशनल गैप होता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो हम फ्रूट्स वेजिटेबल्स सीरियल्स लेते हैं उन सबको कैसे उगाया जाता है और किस तरीके से मार्केट में आता है और हम तक पहुँचता है। सभी में बहुत सारे पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं, इंजेक्शन, हार्मफुल इंजेक्शन यूज़ होता है जिससे कि फल और सब्जियां बढ़े या फिर इनको रिस्टोर किया जाए। तो वो सब हम जब इनटेक करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर जाता है, तो जहां अगर आपके पास उसमें उसका विटामिन गया तो उसके बराबर का आपके अंदर उसका पॉइजन भी गया। तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप डाइट लेकर पूरा हेल्दी रह सकते हैं? लेकिन जो हमारे ये न्यूट्री शेक है, इसके कोई भी फ्लेवर आप लें तो उसमें आपको ये सारे ऑर्गेनिक तरीके से बनाया हुआ सारा इंग्रेडिएंट है जो भी इसमें यूज हुआ है, तो 100% सेफ है। इसमें कोई भी प्रिजर्वेटिव यूज नहीं किया गया है। इसके साथ ही इसमें कोई आर्टिफिशियल कलरेंट नहीं है, कोई भी इसमें नॉन जीएमओ है, यानी कि कोई भी इसमें मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इसमें यूज़ नहीं हुआ है। इसके साथ ही एक लंबे रिसर्च के बाद ये लॉन्च हुआ है, और जिन्होंने लॉन्च किया है एस्टिन जो एक बहुत बड़े डॉक्टर साइंटिस्ट है, हार्ट एंड लंग्स के स्पेशलिस्ट, उन्होंने इस पर रिसर्च किया। वो हमेशा ही फूड प्रोडक्ट पर रिसर्च करते हैं और इसको लॉन्च करते हैं। तो ये बिल्कुल भी मार्केट से डिफरेंट है, यूनिक है, सेफ है। इसको इसके
इसकी क्वालिटी के लिए 6 सर्टिफिकेशन मिल चुके हैं, जो फूड प्रोडक्ट के सेफ्टी के लिए जो होते हैं वो सारे इसमें मिल गए हैं। इसके साथ ही काफ़ी स्ट्रिक्ट के साथ ये 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 पास हुआ है, यूरोपियन स्टैंडर्ड के थ्रू ये प्रोडक्ट आया है, तो 100% सेफ है। इसके साथ ही इसका इस प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है स्वीडन में, लेकिन इसकी पैकेजिंग इंडिया में भी होती है। रुड़की में हमारा आरएटी है वेलनेस का ही, जहाँ इसकी पैकेजिंग होती है, लेकिन मैन्युफैक्चर यूरोप में होता है, यूरोप में स्वीडन में होता है। इसके साथ ही मैं एक चीज़ और बताऊँगी, जो फाइबर है वो किससे लिया गया है और जो प्रोटीन है इसमें वो किस चीज़ से लिया गया है। तो सुपर इंग्रेडिएंट है उससे लिया गया है, इसमें प्रोटीन 3 सोर्सेज प्रोटीन के, पीस मटर जिसको कैंसर रोधी भी जाना जाता है, इसके साथ ही सोए जो कि हाई प्रोटीन होता है उसमें, जो आप सभी जानते होंगे आई थिंक, उसके साथ ही तीसरा जो इंग्रेडिएंट है प्रोटीन का वो है वेम मिल्क। तो ये तीनों बहुत ही सुपर इंग्रेडिएंट है प्रोटीन के लिए। इसके साथ ही जो फाइबर लिया गया है वो है एप्पल, जो कि एप्पल के बारे में आप सभी जानते हैं बहुत ही रिच होता है वो फाइबर में, और बहुत सारे न्यूट्रिएंट होते हैं उसमें, विटामिन्स होते हैं। इसके साथ ही उसमें लिया गया है रोज हाई, गुलाब के फूल की पंखुड़ी गिर जाती है और उसके नीचे एक फल होता है जो आप लोगों ने देखा होगा, उसको इसमें यूज़ किया गया है, जो रिच फाइबर में रिच तो है, इसके साथ एंटी ऑक्सीडेंट भी है। और तीसरा जो लिया गया है वो शुगर बीट, शुगर बीट बहुत ही रिच होता है फाइबर में, बहुत ही बेस्ट क्वालिटी का फाइबर होता है। शुगर बीट एक यूरोप का फ्रूट है जिससे वो लिया गया है, और इसके साथ ही इसका स्वीटनर भी है, इसमें जो स्वीटनर डाला है वो भी शुगर बीट से ही लिया गया है। शुगर बीट नाम तो है शुगर बीट, लेकिन वो डायबिटिक पेशेंट को भी दिया जाता है क्योंकि उनके लिए भी बिल्कुल सेफ है। हम स्टीविया देते हैं ना, वैसे शुगर बीट भी हम उन्हें देते हैं। तो ये हमारा न्यूट्रिशिक 100% सेफ है, इसको बहुत तरीके से आप ले सकते हैं, नॉर्मली ब्लेंडर में ब्लेंड करके ले सकते हैं, बहुत तरीके की स्मूदी बना के ले सकते हैं। मैंने ऑलरेडी एक रेसिपी डाला हुआ है जो ब्रेकफास्ट रेसिपी है, ब्रेकफास्ट या लंच में आप उसको ले सकते हैं, बहुत ही टेस्टी रेसिपी है जो मुझे भी बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं हमेशा ही बना के लेती हूँ। इसके साथ ही आज मैं इसके साथ जो न्यूट्री चिया पुडिंग मैं रेसिपी डाल रही हूँ उसमें चिया सीड्स के बारे में भी मैं कुछ बताना चाहती हूँ। वो भी जाना जाता है रिच फाइबर में, प्रोटीन है और सुपर फूड के रूप में उसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, हमेशा ही अपने डाइट में डेली 1 to 2 स्पून या उससे ज़्यादा भी आप डेली इंटेक कर सकते हैं चिया सीड्स, जो आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल होगा। तो आइए चलते हैं रेसिपी बनाने। तो चलिए मेरे साथ हम रेसिपी बनाते हैं। रेसिपी के बारे में मैं बताऊं, इससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन भी हिट कर दीजिए जिससे मेरे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। न्यूट्री चिया पुडिंग बनाने के लिए मैंने इस स्पून से 7 स्पून चिया सीड्स को आलमंड मिल्क में ओवरनाइट सोक कर लिया है। आप आलमंड मिल्क की जगह स्किम मिल्क भी ले सकते हैं। उसके बाद ये पूरी तरह से फूल गई है चिया सीड्स। अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून जैगरी पाउडर, या गुड़ को भी पाउडर बना के आप डाल सकते हैं, या फिर इसकी जगह आप हनी भी ले सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ओरिफ्लेम का चॉकलेट न्यूट्री शेक जो आप देख रहे हैं, इसमें से 1.5 स्कूप चॉकलेट न्यूट्री शेक डाल रही हूँ मैं, यानी कि 27 ग्राम मैं डाल रही हूँ इसमें चॉकलेट न्यूट्री शेक। इसमें इसे मिक्स करेंगे। अब ये देखिए ज़्यादा थीक हो गया है, अगर थीक हो तो उसमें आलमंड मिल्क और मिला लें या फिर पानी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा पानी ही डाल रही हूँ। अब देखिए ये परफेक्ट कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी, ये बहुत अच्छा चॉकलेटी दिख रहा है, ये मुझे तो देख के अभी ही बहुत अच्छा लग रहा है। इसमें कुछ और ऐड करने वाली हूँ मैं, उसके लिए मैंने लिया है चॉप पाइनएप्पल। आप इसकी जगह कोई भी सीजनल फ्रूट्स, मैंगो, बनाना, कुछ भी आप ले सकते हैं। एक फ्रूट डाल रही हूँ, आप 2-3 भी फ्रूट ऐड कर सकते हैं इसके साथ। थोड़ा सा वॉलनट, वो भी मैंने सोक कर लिया था। ब्लैक रेजिन, इसे भी सोक कर लिया था मैंने। और पम्पकिन सीड्स। अब इसमें थोड़ी सी कार्डमम पाउडर हम डालेंगे,
कर्डमम पाउडर से बहुत ज़्यादा टेस्ट इसका इन्हांस हो जाता है और फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। आप इसमें 1/4 टीस्पून सिनेमन पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। अभी मेरे पास नहीं है तो नहीं डाल रही हूँ, लेकिन सिनेमन पाउडर भी बहुत ही अच्छा होता है हेल्थ के लिए, तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं और टेस्ट भी बढ़ता है उससे। अब इसे असेंबल करते हैं। इसे असेंबल करने के लिए मैंने ले लिया है एक बोल। इसमें सबसे पहले डालेंगे थोड़े से फ्रूट्स, फिर जो पेस्ट मैंने बना रखा है उससे फ्रूट को कवर कर देंगे, फिर थोड़े से और फ्रूट्स, ब्लैक रेजिन, पम्पकिन सीड्स, वॉलनट डालकर एक और लेयर न्यूट्रीचिया सीड्स की जो मिक्स है उसका करेंगे। फिर सेम फाइनल टॉपिंग करेंगे जो मैंने पहले कर रखा है वैसे ही। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप और भी बड़े बोल में और भी थोड़ा ज़्यादा रख सकते हैं, आपकी चॉइस है। अब देखिए आपका चिया पुडिंग बिल्कुल भी रेडी हो गया है। कितना डिलीशियस और न्यूट्रिशियस दिख रहा है। ये आपको फुल डे एनर्जाइज रखता है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। Stay tuned for next one.